एक गर्ल्स कॉलेज में एक बेहद खूबसूरत मैडम ने ज्वाइन किया। मैडम जब पहले दिन आई तभी से सभी बच्चों से बहुत प्यार से बातें करती थी, जिससे कि बहुत ही जल्द बच्चे उस मैडम के साथ घुल मिल गए। एक दिन फ्री पीरियड में बच्चे और वह मैडम आपस में बातचीत कर रहे थे। एक लड़की ने उस मैडम से उनकी उम्र पूछी। मैडम ने बताया कि वह 34 साल की है। लड़कियों ने पूछा कि मैम आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो मैडम ने जवाब दिया कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। सभी लड़कियां हैरान थी कि इतने खूबसूरत होकर भी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। एक लड़की ने तो पूछ भी लिया, मैम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जवाब में मैडम ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मैडम ने कहानी सुनाने शुरू की। एक गांव में एक औरत थी जिसकी 5 बेटियां थी। उसका पति बहुत परेशान था क्योंकि वह बेटा चाहता था। पति ने अपनी बीवी को धमकी दी कि अगर इस बार बेटा ना हुआ तो वह उस नवजात लड़की को बाहर फेंक देगा। कुछ दिन बाद वह औरत प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी बेटी हुई। उसके पति ने अपनी जुबान के मुताबिक रात को उस नवजात लड़की को दूर एक चौराहे पर रखाया। बेचारी माँ अपनी नई जन्मी बच्ची के लिए रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन उस औरत का पति उस नव जन्मे लड़की को देखने गया तो देखा वह लड़की वहीं चौराहे पर पड़ी है। उसे किसी ने नहीं उठाया था, इसीलिए वह उस लड़की को वापस घर ले आया, लेकिन अगली ही रात फिर से चौराहे पर छोड़ाया, उस उम्मीद में कि कोई तो उसे उठाकर ले जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, किसी ने उस लड़की को नहीं उठाया और वह आदमी उस नन्ही लड़की को दोबारा घर ले आया। ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वह हर रात को उस लड़की को चौराहे पर छोड़ आता था, लेकिन लड़की को कोई नहीं उठाता। इसलिए अब उस आदमी ने सोचा कि भगवान की यही मर्जी है कि इस लड़की को मैं ही पालूं। ये सोचकर वह लड़की को घर तो ले आया, लेकिन कभी उसे ठीक से प्यार नहीं किया। एक साल के बाद उस आदमी की पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार उसे लड़का हुआ, परंतु कुछ दिन बाद उस आदमी की 6 बेटियों में से एक की मौत हो गई। उसके बाद उस औरत के 5 बेटे हो गए, लेकिन हर बेटे के बाद एक बेटी की मौत हो जाती थी। अब उस दंपत्ति के 5 बेटे और एक बेटी बची थी। जिस बेटी से बाप अपनी जान छुड़ाना चाहता था, जिसे चौराहे पर छोड़ आया था, सिर्फ वह बेटी अब जिंदा है। सब बच्चे बड़े हो गए और सबकी शादियां हो गई, माँ की भी मृत्यु हो गई। लेकिन अब उस आदमी के जितने भी लड़के थे वे सब उसे छोड़कर दूर शहर में बस गए और अब कभी कभार ही आते हैं। वह आदमी अब बूढ़ा हो चुका है और अपनी देखभाल भी खुद नहीं कर सकता। अपनी कहानी पूरी करने के बाद टीचर ने कहा कि तुम लोग जानते हो जिस लड़की को वह बाप चौराहे पर छोड़कर अपना पीछा छुड़ाना चाहता था वह कौन है? वह मैं हूँ। मेरे पापा अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ और इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। मेरे पिता बहुत शर्मिंदा है और अक्सर मुझसे अपनी उस हरकत के लिए हर रोज माफी मांगते रहते हैं, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई हूँ। आखिर है तो वह मेरे पिता ही ना। मैडम ने अपनी बात पूरी की। ये सुनकर सभी लड़कियों की आंखें नम थी और उन्होंने मैडम की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, बेटियां बाप के लिए अनमोल होती है। माँ बाप का दर्द समझती है, घर को रोशन करती है। जब रुलाते हैं बेटे तब हंसाती है बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती है बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तब संभालती है बेटियां। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।